हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके लिए आज की करंट एनर्जी देख रहे हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, डेफिनेटली कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जिन लोगों को पिकअ कार्ड चाहिए वो लोग कमेंट बॉक्स में पिकअ कार्ड डाल देना, लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि मैं पिकअ कार्ड भी करूं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग इन्फॉर्म करेंगे तभी उस हिसाब से बन जाएगा। ओके, सो अभी मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। मैं देखो यार कुछ प्लान करके नहीं करती, मेरे मन में जो आता है, मेरी इंट्यूशन जो मुझे गाइड करते हैं उस हिसाब से ही अपना स्टेप रखती हूँ। मेरी इंट्यूशन ने आज मुझे कहा कि मन में क्या चल रहा है, मुझे ये करना चाहिए। आई डोंट नो, कोई हो सकता है कि दिल से चाहता था कि इस टॉपिक पे रीडिंग बन जाए, तो मैं उस पर कर रही हूँ और ये रूनस रीडिंग होने जा रही है। रिक्वायर्ड रहेगा तो टैरो जरूर निकाले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज को पिक करें और मुझे बताएं उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति स्ट्रांगली आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, यानी कि पूर्व आपके पिछले जन्म से इनका नाता जरूर है, जिसकी वजह से ना आप इनसे एक स्ट्रांग बॉन्ड या कनेक्शन फील कर सकते हो और कहीं ना कहीं एक अजीब सा अटैचमेंट और एडिक्शन महसूस करते हो। इस व्यक्ति को हो सकता है कि आप अपने आसपास फील करते आए हो या तो बहुत ज्यादा फील कर लेते हो, बिना इनको देखे बिना इनको सुने भी आप इनकी आवाज को महसूस कर सकते हो, इतना स्ट्रांग एनर्जी इनका बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर क्लियरली मैं अगर देखूं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में जो सेपरेशन आया है उसके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में सेपरेशन क्यों आया, रीजन क्या था, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ही उस दिन के बारे में डेफिनेटली ये व्यक्ति सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो चीजें नहीं होनी चाहिए, इनका ऐसा मानना है। चीजें बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत स्मूथ जा रही थी, सब कुछ बहुत बेहतर था, ब्यूटिफुल था, बट सब चीजें अब इतनी खराब हो चुकी हैं कि उस चीज को अब ठीक नहीं किया जा सकता, इनका ऐसा थॉट बन चुका है। इन्हें लग रहा है चीजें इम्पॉसिबल हो गई, सब कुछ मैस हो गया। अब ये मैं नहीं कहूंगी कि इनका दिमाग ऐसा चल रहा है कि नहीं इसी इंसान ने सब कुछ खराब किया, इसको सजा मिलनी चाहिए या मैंने खराब किया, नहीं। यहाँ पर ये व्यक्ति मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचते नजर नहीं आ रहे। आपको भी ब्लेम नहीं कर रहे हो ना खुद को ब्लेम कर रहे हैं, बस ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये जो था ना ये नहीं होना चाहिए था, ये सिचुएशन बड़ी बुरी थी, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी हम लोगों के बीच में। भाई वो जो था बहुत ही पेनफुल सिचुएशन था और सब कुछ बहुत स्मूथ और अच्छा जा रहा था, बट सब खराब हो गया। तो वो जो खराब होने का दुख होता है ना कि यार ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो दुख जरूर इनके अंदर दिखाई दे रहा है। एक अजीब सा एहसास है जिससे इनका मन थोड़ा सा खराब है। अब मन खराब होने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये अपनी जिंदगी में पूरा मुंह सुजाकर जो है रो रहे हैं, दहाड़े मार मार के रो रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्लियरली है कि इनकी जिंदगी में ये अपने काम में सब जगह व्यस्त हैं, लेकिन अंदर बैक ऑफ द माइंड में ये चीज सोचकर इनको बड़ी उदासी हो रही है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, काश इस चीज को ना पलटा जा सकता या काश कोई बटन होता जिससे चीजों को बदला जा सकता। क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि इससे पहले सब कुछ बहुत प्यारा चल रहा था, आप दोनों का कनेक्शन बड़ा ब्यूटीफुल था और डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर पुरानी पुरानी चीजों को जरूर सोचते नजर आ रहे हैं। क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको इसके वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, रख रख के चिड़चिड़ापन, रख रख के एकदम से दिमाग खराब हो जाना, कुछ सोच विचार ओवर थिंकिंग कर लेना, ये एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है, तो हो सकता है ये व्यक्ति बार बार आपके कनेक्शन में आते हो और रिश्ता तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे नो कॉन्टैक्ट के साथ ऑन एंड ऑफ दिख रहा है, हेल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है नो कॉन्टैक्ट को, बट यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है ऑन एंड ऑफ रिप्रेजेंट मतलब एनर्जीज को। तो यहाँ पर दो एनर्जीज पिक हो रही है। डेफिनेटली हो सकता है आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, जिसके बारे में सोचकर आपके पार्टनर भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। इनकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल जो इस व्यक्ति की तरफ से है कि इस व्यक्ति ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इस बात को लेकर इनको भी दुख होता है। इनको भी दुख है कि जब आपको जरूरत थी तब ये आपके साथ खड़े नहीं थे या खड़ी नहीं थी, जब आपके लिए कुछ कर सकते थे तो इन्होंने कुछ नहीं किया। देयर आर चांसेस, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर कभी कभी इमेजिन करते हैं कि उस सिचुएशन में अगर उन्होंने ये एक्शन की जगह कुछ और बोला होता, कुछ और किया होता, तो शायद आज सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती, आज बहुत मजेदार होती, शायद बहुत प्यार होता, बहुत अच्छा होता, एक स्पाइस होता आप दोनों में, लेकिन चीजें बिगड़ गई। इनका ऐसा मानना है आपके पार्टनर का कि काश उस टाइम पे इन्होंने कुछ किया होता, एक्शन को लेकर आपके पार्टनर के दिमाग में चलता रहता है। लेकिन एक बात मैं कह देती हूँ, ये व्यक्ति अभी ऑब्स्टेकल में एक्शन में दिख रहा है, यानी कि ये क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये अभी एक्शन नहीं ले रहे, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे या ये नहीं सोच रहे कि यार मुझे अब एक्शन लेना चाहिए। इन्हें उल्टा लग रहा है कि काश मुझे पास्ट में एक्शन ले लेना चाहिए था,
पास में मुझे इसकी जगह ये बोलना चाहिए था, या ब्लॉक करने की जगह बात करनी चाहिए थी, या मुझे सिचुएशन को खराब करने की जगह, ईगो दिखाने की जगह ये चीज इस तरह से रखनी चाहिए थी। तो समवेयर ना इनके दिमाग में थॉट में चल रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस टाइम मुझे एक्शन लेना चाहिए था, उस टाइम मुझे इसका भी सुनना था, उसका भी सुनना था, या मुझे बैलेंस रहना चाहिए था, बट मैंने बैलेंस नहीं होना सही समझा, उल्टा मैंने सामने वाले को जो है एक ऐसी पोजिशन में डाल दिया जिससे उसको तकलीफ पहुंची, उसे हर्ट हुआ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक तरीके का गिल्ट है, पर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इनको ये बात का गिल्ट फील हो रहा है, समझो गिल्टी फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैंने इस इंसान के साथ बहुत गलत किया, पर ईगो जो है ना इस चीज को रियलाइज करने नहीं दे रही है कि इन्होंने गलत किया। समवेयर इनको लग रहा है कि आकाश उस चीज को अलग तरीके से टैकल किया होता। आपके पार्टनर आपको लेकर पिछले कुछ दिनों से इनसिक्योर बहुत है, जलस भी हो रहे हैं, इनसिक्योर भी हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है आपकी जिंदगी में कोई और है जिसकी वजह से आपके पार्टनर किसी और को ढूंढने की खोज में निकल चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि ठीक है अगर आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, या ठीक है अगर आप में इतना एटीट्यूड या ईगो है तो क्यों ना ये भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, ये भी किसी और को चेकआउट करें, ये भी किसी और के साथ खुश रहे। ऐसा दिख रहा है कि इनके दिमाग में ना एक अलग ही कहानी शुरू हो चुकी है जहां पर ये आउट ऑफ जेलसी कोई स्टेप रखने का प्रयास कर रहे हैं, कोई तरीके से लोगों को चेकआउट कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, हालांकि कनेक्शन किसी के साथ भी फील नहीं हो रहा है, किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं है, किसी के साथ भी वो वाली बात नहीं है, या वो वाला बोलते ना एक देखो आपका एक तरीका था ना बहुत ज्यादा प्यार से रहना, बहुत ज्यादा केयर करना, बहुत ज्यादा एकदम से ऐसी ऐसी मीठी मीठी बोल जाना या बातें कर जाना, समवेयर अपने को प्रोटेक्ट करना, प्रैक्टिकल भी बोलना, थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है ना कि वो बैलेंस इनका दूसरों में मिल पाना या आप जैसा कनेक्शन मिल पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये इतना इजी नहीं हो सकता। और इनको लग रहा है कि ये चीजें बड़ी आसान है कि ठीक है यार इस इंसान ने मूव ऑन किया या इस इंसान को एटीट्यूड था, अटेंशन था, तो चलो अब हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी देख लेंगे, या इस इंसान को अपनी जिंदगी में जब किसी और को एंटरटेन करना है तो मैं भी क्यों वेट करूं। समवेयर ईगो हाईलाइट हो गई है, इनसिक्योरिटी है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव एनर्जी भी है, खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, इनको नहीं चाहिए कि ये झुके, इनको लग रहा है कि ये आप जो है इनके सामने मिन्नतें करें, इनको मनाएं, रिझाएं, पटाएं, किसी तरीके से आप इनको वापस अपने जो है जीवन में खींच लाएं, पर आपने ये नहीं किया, आप उल्टे एक्शंस में आ गए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि पास में आपने कभी नहीं किया, किया होगा, बट समवेयर अब आपने गिव अप कर लिया, अब आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आपने ट्राई करना बंद किया, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ईगो आ गया, या तो आपको एटीट्यूड आ गया, या आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आपकी जिंदगी में तो कोई और व्यक्ति है, आप तो मजे में हो, लेकिन इस इंसान को भी अब आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा इनका थॉट प्रोसेस बन गया। आपके पार्टनर डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो सकते हैं, और ये आपके साथ एक अलग ही अनोखा, बहुत ही अनोखा कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। जब ये आपके साथ होते हैं ना तो ये समझ लो कि दुनिया जगत सबके बारे में सोच विचार करना भूल जाते हैं, या इनको रियलाइज नहीं होता है कि एक होता नहीं कि इनको फील नहीं होता कि ये आपके साथ एक पति पत्नी जैसा व्यवहार बना लेते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप 100% मैरिड हो, यहाँ पे मुझे मैरिज नहीं दिख रही है, हो सकता है आप मैरिड हो, नहीं हो, मैरिज के रिलेटेड मुझे कुछ नहीं दिखाया तो मैं बात भी नहीं करूंगी उसके रिलेटेड, बट आप दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है जो समवेयर आपके साथ ये ऐसा रिश्ता बना लेते हैं जिसमें आप पति पत्नी जैसे हो जाते हो, अथॉरिटी है, एक दूसरे को बात रखने की आदत है, आप कभी उनके सामने बात रखते हो वो आपके सामने, मतलब रिश्ता कुछ पति पत्नी जैसा बन जाता है, और ये अनजाने में ना ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से ना रिलेशनशिप आप लोगों के लिए और अडिक्टेड और एक अटैचमेंट क्रिएट कर लेता है। देखो मैं सिंपल तरीके से अगर साफ शब्दों में समझाऊं, आपके पार्टनर जो है ना बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकलिटी मिली है और यहाँ पर धनु की साइन भी मिली है, सैजिटेरियस एनर्जी हो सकती है या ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपकी पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है, ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति कैसा ना कि इनका पहले से ही थॉट था आपके रिलेशनशिप को लेकर कि थोड़ा डिस्टेंस में रहेंगे और इस इंसान से अटैच नहीं होंगे, इस इंसान से थोड़ा सा दूरी बनाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि लव में नहीं रहेंगे, लव में आएंगे पर इसके लिए मैं फॉल नहीं करूंगा, इसे फॉल करवाऊंगा या करवाऊंगी, मतलब इसे मैं अपने पीछे लगाऊंगा पर मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी। हुआ कुछ उल्टा, जब आप दोनों रिलेशनशिप में आना, इस इंसान ने कहीं ना कहीं अनजाने में अपने इमोशंस को आपके सामने प्रकट किया है, अपने आप को दिखा दिया, अपने उस अवतार को रिप्रेजेंट कर लिया जिससे कहीं ना कहीं वो खुद भी अब हैरान है कि उनको खुद भी लगता है कि यार ये चीजें मैंने लोगों से छुपाई पर मैंने इसको बता दिया, मेरे मन के राज मेरे को पता होते थे मैंने इससे सारे सारे भेद खोल दिए, इसको मेरे को कम ध्यान देना था पर मैंने इसको ज्यादा ध्यान दिया, इसे सिर्फ इम्प्रेस करना था, अपनी जिंदगी में लाना था पर मैंने इसको जरूरत से ज्यादा इतना वो कर दिया कि अब मैं इसका आदि या मैं इसकी एडिक्शन में आ गई या आ गया, इस तरीके की इनको कभी कभी थॉट प्रोसेस है। ये व्यक्ति काफी प्रैक्टिकल, काफी एम्बिशियस, काफी करियर ओरिएंटेड है, इनको अपने करियर की बहुत पड़ी रहती है, पैसों की पड़ी रहती है, या समझ लो पैसे बनाने हैं, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, लाइफ में कुछ कर लेना है, इसके बारे में इनका जोश ज्यादा है, बट जब बात आपकी आती है ना तो इन्होंने अपने सब कुछ बोलते हैं ना
ऐसा नहीं लगता है कि प्लान करके कुछ किया है, सब कुछ अनजाने में हार दिया है। प्लान इनका कुछ और था पर प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब चीजें विपरीत में गई है। जो इन्होंने सोचा था इमोशन नहीं बताएंगे, इमोशन बता दिया। जो भेद इन्होंने छुपाने थे वो सारी चीजें खुल चुकी हैं आपके सामने। आपके सामने ये बच्चे बन गए और यही ये नहीं करना चाहते थे। इनका प्लानिंग ये था कि हम तो प्रैक्टिकल रहेंगे, हम तो अपने काम से काम रखेंगे, हम प्यार करेंगे, लल्लू पच्चू करेंगे, लेकिन एक दूसरे में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। पर अनजाने में इन्होंने आपको पति पत्नी का रिश्ते में डाल दिया। और उसके बाद कैसे, जैसे इनको रियलाइज हुआ, क्योंकि आपके पार्टनर की मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि इनके रियलाइजेशन में क्या हुआ, जैसे इन्हें एहसास हुआ कि आप दोनों जो है रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड में आ रहे हैं, एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन बन रहा है, और धीरे धीरे इमोशनली ये बहुत, आपके पार्टनर इमोशन से डरते हैं, बेसिकली इमोशनल कनेक्शन से बहुत डरते हैं। जैसे ही ज्यादा इमोशनल बॉन्ड बना तो आपके पार्टनर एकदम से बैकआउट करना शुरू कर चुके हैं। किसी ना किसी तरीके से उन्होंने जो है एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया कि भाई मैं इसके लिए फॉल कर रहा हूँ। आपके पार्टनर अब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से बहुत डरते हैं, मानो नहीं मानो। शुरू शुरू में ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल चले हैं, लेकिन बाद में जैसे ही आपसे इमोशनल कनेक्शन आ गया है, इस व्यक्ति को ये लगा कि ये अपनी कमजोरियां आपके सामने आकर रख देंगे या ये आपके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। और इस इंसान के साथ पास में कुछ ऐसा हो चुका है जिसमें जब जब वीक पड़े हैं इनके साथ, इनकी जिंदगी में कुछ ना कोई कोई ना कोई इंसान जो है गलत कर गया। तो ये आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप जो है किसी तरीके से इनकी कमजोरी को भाप लें या देख लें और इसके बाद इनके साथ कुछ गलत हो जाए। तो समवेयर ऐसी एनर्जी बहुत क्लियरली दिख रही है। बट ऐसा भी समझ लो कि ये व्यक्ति गलतियां भी जो कर रहे हैं, ये समझ लो एक तरह से जानबूझ के ही कर रहे हैं। इन्हें पता है कि ये अनजाने में जानकर आपको हर्ट करते हैं, इन्हें एहसास है इनका एक जो बिहेवियर है इससे ये आपका दिल तोड़ते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के ना ये एक ऐसी एक होता ना कठोर हो जाना आपके साथ, ताकि आप इनके साथ ज्यादा अटैच ना हो सको, आप इनसे ज्यादा उम्मीदें ना रखो। क्योंकि आप जिस तरह से अटैच हो रहे हो, ये आपसे अटैच हो रहे हैं, इन्हें डर लग रहा है अब आपसे, इनको घबराहट हो रही है कि यार ये रिलेशनशिप ना मैं इतना आगे ले गया हूं या इतना आगे ले गई हूं और कहीं बाद में ये मेरे लिए प्रॉब्लम ना बन जाए, ये दिक्कत ना आ जाए। क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस इनके ऐसे रहे और ये मैंने जैसे कि कहा बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ज्यादा दिमाग से चलने वाले हैं। इस इंसान का अगर कोई समझो दिल से अटैचमेंट बन जाए तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये इमोशन ये डेफिनेटली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर बड़े उलझे हुए हैं, बहुत जगल करते हैं ये, बहुत ज्यादा करंटी एनर्जी की बात कर रही हूँ, बहुत जगल करते हैं। एक पल इनको लगता है कि आपसे जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे पल इन्हें लगता है कि नहीं ये सिर्फ मेरी एक आदत है, इस आदत को मैं छुड़ा सकता हूँ या छुड़ा सकती हूँ, ये आसान है, ये मैं कर सकता हूँ। समवेयर आपके पार्टनर ना बार बार समझ लो कि मूव ऑन करते हैं और फिर आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं, फिर मूव ऑन करते हैं फिर वापस खींच कर आ जाते हैं। तो ये एनर्जी मुझे आई डोंट नो, मुझे सडनली कोई अनुराधा करके नाम विस्पर हुआ मेरे कान में। मैं किसी अनुराधा को नहीं जानती, आई डोंट नो कौन है, अगर आप होना तो थोड़ा आप फोकस करना। सडनली मुझे एकदम से किसी ने विस्पर किया मतलब इनटू माय इयर्स, अनुराधा। तो अगर आप में से कोई हो तो ध्यान देना ज्यादा, ओके। यहाँ पर जो साइंस मुझे मिली है, मैं साइंस बता देती हूँ। मुझे लियो एनर्जी मिली है, स्कॉर्पियो मिली है, धनु राशि मिली है, यहाँ पर मुझे टॉरस एनर्जी मिली है, कैप्रिकॉर्न मकर एनर्जी भी मिली है काफी स्ट्रांगली, और आई एम नॉट श्योर बट मीन एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, मीन एनर्जी है या तुला है, ठीक है, मीन या तुला है, आई एम नॉट श्योर, बट ये थोड़ी हल्का हल्का रिफ्लेक्शन लेकर आई है ये एनर्जीज, ठीक है। यहाँ पर वीनस का एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हुआ है, वीनस यानी कि शुक्र रिप्रेजेंट कर रहा है, शुक्र बहुत ज्यादा लव और रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर वीनस की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है जो बताता है कि आप दोनों के बीच में रोमांटिक कनेक्शन कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी से जुड़ा हुआ है, दोनों में रोमांस है, पैशन है, और दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड और कनेक्शन है ना वो एक्सट्रीम लेवल पर है। दोनों एक दूसरे के प्रति इतने ज्यादा अडिक्टेड और अट्रैक्टेड हो ना कि चाहकर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक, एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है जिससे आप एक दूसरे को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, ओके। मुझे कहीं ना कहीं जहां तक मैं देख रही हूँ ये एनर्जी में रिफ्लेक्शन जो मुझे मिल रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जगल कर रहे हैं आपको लेकर, एक डिसीजन नहीं आ जाती कहीं ना कहीं, कभी ये आपके बारे में कुछ अलग ही सोचते हैं, फिर एक बोलते हैं ना माइंडसेट को बार बार बदल रहे हैं, डिसीजन नहीं। इस रिलेशनशिप में ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद आपके प्रति लॉयल नहीं हो पाए या अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको नहीं समझ पाए। मिसअंडरस्टैंडिंग इज द मेन इशू। यहाँ पर मुझे लॉयल्टी दिख रहा है कि आपको, आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके साथ लॉयल नहीं रह पाए, आप उनको लेकर लॉयल नहीं रहे और वो आपके प्रति लॉयल थे, या आप उनको कभी नहीं समझ पाए, उनकी मजबूरियां या उनकी तकलीफों को आप नहीं देख पाए। आप इन चीजों को लाइक समवेयर कुछ एंडिंग आप लोगों के बीच में जरूर ऐसी हुई है जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको
काश समझ जाते, काश इनकी तकलीफ को आपने समझा होता, इस तरीके की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आगे का कोई प्लान नहीं किया है, बट समवेयर ये आपको लेकर आज भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, आज भी आपको लेकर बहुत जलस है। अब आज भी इनके दिमाग में ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। इन्होंने फ्यूचर का कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन डेफिनेटली आपके साथ ग्रोथ जरूर चाहते हैं। इन्हें नहीं पता आगे इनको क्या करना है, लेकिन इन्हें ये है कि यार इस इंसान को मुझे अपनी जिंदगी से कभी जाने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए इस इंसान को मैं अपनी लाइफ से कभी, लाइक होता ना कि मैं ऐसा कभी दिन ना आने दूं कि भाई ये इंसान पूरी तरह मेरी जिंदगी से निकल जाए, यानी कि अगर आप किसी और के हो गए ना तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समवेयर इनका ईगो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद ही ये बात को समझ नहीं पा रहे कि वो आपके साथ कितना ज्यादा, बोलते ना, एक ट्रू बॉन्ड या कनेक्शन में जा चुके हैं, या कितना आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आपके पार्टनर को खुद ही इस बात का एहसास नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं मैसेज क्या देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को इस व्यक्ति को लेकर, इनके पार्टनर को लेकर। यार मैं बोल नहीं रही हूं, पर मुझे ना पता है कब से ना, जब मैं राशि देख रही थी ना उस टाइम पे, मैं बता रही हूँ अभी, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को बोलना चाहिए। मुझे मन्नु या मीना नाम बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, मन्नु या मीना। जब मैं बोल रही थी ना मीन है, तो मैं कंफ्यूज इसलिए थी क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये नाम मुझे रिफ्लेक्ट, आई डोंट नो व्हाई, जो मुझे दिखता है, जो मुझे महसूस होता है, जो इंट्यूशंस कहती है मैं जरूर कहती हूँ, तो आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी इस एनर्जी को लेकर। जब मैं लाउड में समझ पाई तभी मैंने आपको बताया, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाई मुझे ये नाम आया, बट कुछ होगा इससे आपका कनेक्शन, हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन को लेकर, इनके पार्टनर को लेकर। आज मैंने बेसिक राइडर वे यूज किया है। मैं आज फंबल भी बहुत कर रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं बेसिक मैसेज। सन स्ट्रेंथ, ओके, सब्र रखो, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हैप्पीनेस आ रही है और इस इंसान के साथ रिकनसाइल होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज आपकी जिंदगी में बहुत स्ट्रांगली हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है। पर यूनिवर्स कह रही है पेशेंस रखो, पेशेंस इसकी की सब्र रखना, आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आपको वो अचीव होगा जो आपने लाइक होता ना कि सोचा नहीं है। लेट मी सी, सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। या इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी इनके साथ इस रिलेशनशिप में। आई कैन सी डेफिनेटली अर न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली अर न्यू बिगनिंग। ओके, इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सब्र रखो एंड वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड, आपके आपके जो अंदर के बच्चा है ना उसे जगाओ। वो बच्चा बड़ा हसमुख है, मस्ती वाला है, इंजॉय करने वाली पर्सनैलिटी है, उस बच्चे को जगा दो। हैप्पी फील करना शुरू करो, अपने अंदर के मस्ती खोर इंसान को वापस जगाओ, अपने इनर चाइल्ड पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। आपकी जिंदगी में सब्र रखो, बहुत जल्दी बहुत सारी एक होता ना कि बेटरमेंट इस रिलेशनशिप में आती हुई जरूर आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट या अन्य कोई जानकारी चाहिए, आपको पहनना जरूर चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको पहनना है तो मैं नहीं सेल करती, मैं क्लियरली हाथ जोड़ के बोलती हूँ भाई, मैं नहीं बेचती। आप में से कुछ लोग उधर मैसेज कर देते हो टीम को, टीम नहीं सेल करती। ब्रेसलेट के लिए नंबर ऊपर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ब्रेसलेट बाय अमित, जो है अमित सर का नंबर है, उनको आप कांटेक्ट करो, आप उनसे बाय कर सकते हो अपने ब्रेसलेट्स वगैरह। उनकी खासियत यह है कि वो कंसल्टेशन के बाद ही ब्रेसलेट आपको जो है रिकमेंड करते हैं। आपकी एनर्जी इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट कम है, बुध कम हो सकता है, वीनस कम हो सकता है, एक साथ बहुत सारी चीजें करके भी कम होती है। उन सबका मिश्रण एक करके कौन सा एक ब्रेसलेट आपको वेयर करना चाहिए वो ये आपको गाइड करते हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ को हील किया जा सकता है उस अनुसार ही आपको ब्रेसलेट वेयर करवाते हैं। तो अगर हो सके तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करवाना चाहिए, वरना आप जिससे चाहे ले सकते हैं, वरना नंबर अगर उनका चाहिए तो उनका रख दिया, और मुझे उसका एक रुपया भी नहीं मिलता है, मैं कुछ भी नहीं। इट इज जस्ट कि मुझे वो ब्रेसलेट का उनका जो लाइक होता है ना ब्रेसलेट का स्टाइल, उसका बहुत ज्यादा आप समझ लो कि पैशन है या क्रेज है। मुझे ब्रेसलेट्स बहुत पसंद आते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, और समवेयर मेरा क्रेज है इन चीजों में। मैं इन चीजों को बहुत स्टडी वडी भी कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, समवेयर मुझे इंटरेस्ट आता है। दैट्स द रीजन मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी मर्जी, लेना ना लेना आपकी अपनी चॉइस है। हीलिंग के लिए अगर समझो इतना सा भी अगर आप कुछ चीजें अपनी लाइफ में कर सकते हो तो आपको करना जरूर चाहिए, बाकी तो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।